हेलो गाइस, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं बायो अमन। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि बोर्ड में कुछ गलतियां हम लोग कर देते हैं जिसके कारण से हमारे बहुत ढेर सारे नंबर कट जाते हैं। बोर्ड एग्जाम देते वक्त आप लोग सबसे पहली बात एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब आपकी कॉपी का जो पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज रहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मायने करते हैं कॉपी चेक करने वाले के मूड पर। क्योंकि जब पहले क्वेश्चन या पहले पेज या दूसरे पेज के क्वेश्चन जब सही रहते हैं तो वही इंप्रेशन आपका लास्ट तक बना रहता है। इसलिए जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आते हो, आपको कंफर्म हो कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, पहले आप उनको लिखो। इसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं, मतलब कि जो अच्छी तरीके से आ गए उनको तो आपने लिख दिया, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन बच रहे हैं उसको आप सीक्वेंस वाइज लिखो, मतलब लाइन से लिखो। अगर वो नहीं आते तो बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दो, बाद में जो भी है उसको लिख दो। इसके बाद अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दो। लिखने का तरीका एक अलग सा होना चाहिए, लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। और हाँ, बहुविकल्पी क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में करो, बिल्कुल टिक मारते रहो, सही मारते रहो। अगर उससे नकल मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो बिल्कुल सही करो, उसको एग्जैक्ट करो। बहुविकल्पी आपके गलत ना होने पाए, क्योंकि बहुविकल्पी पे एग्जामिनर के मूड पे बहुत डिपेंड करता है। इसके बाद जब आप बोर्ड की कॉपी को लिखते हो तो कोई क्वेश्चन को दोबारा ना लिखो कि एग्जामिनर को भ्रमित करने के चक्कर में कोई क्वेश्चन दोबारा लिख दिए। साले एग्जामिनर तो कभी भ्रमित नहीं होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन दोबारा पढ़ लिए तो कॉपी की ना दुर्दशा ही बदल देते हैं, नंबर ही काट लेते हैं। फिर आप लोग उनका कुछ नहीं कर पाते, स्क्रूटनी कराएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं उनका हो पाएगा। ठीक है, जितने नंबर उन्होंने दे दिया वो हमेशा के लिए चढ़ जाएंगे। इसलिए एग्जामिनर को भ्रमित मत कीजिए, अच्छे से आप लोग कॉपी लिखिए और अपनी राइटिंग को अच्छे से सुधारिए। और हो सके तो कुछ पैसे कॉपी में लगा दीजिए, कोई देख ना पाए कॉपी में कुछ पैसे लगा दीजिए। अगर पैसे एग्जामिनर तक पहुँचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग नंबर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पैसे का भी। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।